सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी हम लोग सुबह सुबह 8 बजे हम लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमें बाहर जाना था, एक जगह पर, स्पेशल जगह है, वहाँ पर जाना था। और कुछ दिनों के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्यों अभी सुबह सुबह बाहर जा रही हूँ। एंड आज से मैंने वापस अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें। एंड हमारी न्यू गाड़ी भी आ चुकी है, आप लोगों ने वीडियो ज़रूर से वो वाला देखा होगा, बट अभी तक हमें नहीं आती है तो हम नहीं चला पाते हैं, बट बहुत जल्द हम लोग सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड आज का दिन, पूरा दिन, मतलब आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय होने वाला है, तो आप लोग भी कंटिन्यू कीजिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि हमें बाहर जाना है तो वहाँ पर लेट हो जाऊँगी, तो मैं वहाँ आने के बाद में मिलती हूँ आपसे। सो ओके गाइस, मैं आ चुकी हूँ वापस जाकर, और मैंने घर भी क्लीन कर दिया है, और अब थोड़ी सी पैकिंग बैक की, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ मेरे घर पर, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है वहाँ पर, सो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है अभी। एंड कल होली है और परसों धुलेटी है, तो वो भी मैं वहाँ पर ही एंजॉय करने वाला, आप लोगों की बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने वहाँ पर ही मतलब धुलेटी की थी, आप लोगों को बहुत ही पसंद आया था वहाँ पर, इसीलिए मैं, और हिरवा को भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग सोच रहे थे वहाँ पर ही इस साल भी वहाँ पर ही हम लोग जाएंगे। एंड थोड़ी सी पैकिंग बाकी है तो वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ, एंड फिर से आप, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। सो मैं फटाफट से पैकिंग कर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, सो मैं फटाफट पैकिंग करने लिए जा रही हूँ। ओके गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे पियर, और वहाँ पर मैं अभी दोपहर में ही आई थी, और खाना पीना सब कुछ हो चुका, अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। और दोपहर में मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप है बाहर, तो हमने सोचा कि शाम को ही बाहर निकलेंगे, कुछ हमें शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग सोचे कि हम लोग शाम को ही जाएंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज शाम को, क्योंकि हमें 3 चीज़ें लेनी थी। सो लेट्स सी कि हम आज ही लेते हैं या फिर आज एक दो, मतलब पता नहीं, देखते हैं कितनी ऑफर है वहाँ पर, किस तरीके है क्या है। सो हमें 3 चीज़ें परचेज करनी है, सो हम लोग शाम को ही जाने वाले हैं वहाँ पर। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों को क्या क्या देखा वहाँ पर, क्या किया, सब कुछ दिखाऊंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड एंड तक ज़रूर से मेरा ये वाला वीडियो देखना, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। और हाँ, कल का वीडियो, मतलब कल होली है और कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना सारे बच्चे आने वाले हैं, बहुत सारे, सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ कल का वीडियो भी मत, मतलब देखना ही देखना, और भूल मत जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हिरवा भी आ चुकी है मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड कल को हिरवा मतलब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाली है इसीलिए, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम मिलते हैं शाम को उठने के बाद चाय पे। सो बाय बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं नीचे जा रही हूँ रेडी होने के लिए, और नीचे बुला रहे हैं सब कि अब रेडी हो जाओ, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं, तो मैं रेडी होने जा रही हूँ नीचे। एंड अभी अभी हम लोग उठे हैं, सो मैं नीचे जाकर रेडी होती हूँ, और हिरवा को चाय, दूध पिला देती हूँ, थोड़ी सी चाय उसमें मिक्स करती हूँ, उसे अकेला दूध नहीं पसंद है इसलिए। एंड मैं अभी तो चाय नहीं पीने वाली, क्योंकि मैंने सुबह ही पी थी इसलिए। और बस अब मैं नीचे जाकर रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो ओके गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बट हिरवा को आ गया है अचानक से बुखार, तो शायद मेरा जाना कैंसिल हो सकता है। सो अभी मैं उसे दवाई दे देती हूँ, और अगर आधे घंटे में उसका बुखार उतर गया तब भी मैं जा पाऊँगी, वरना मैं नहीं जाने वाली हूँ। सो देखते हैं कि क्या करते हैं अब, एंड जल्दी से बस बुखार उसका उतर जाए तो वो भी बाहर घूमेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। एंड अचानक से ही उसे बुखार आया, कल आइसक्रीम खाया था कल हम लोगों ने, शायद उसकी वजह से उसे बुखार आ चुका है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, मैं आपको रिजल्ट आधे घंटे में बताती हूँ कि क्या हम जाने वाले हैं या नहीं। सो देखते रहना आगे। ओके फाइनली, अभी हिरवा की तबीयत ठीक है तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैं आपको बाहर का वीडियो भी दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं और क्या परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं। सो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, और बने रहिएगा आगे, कंटिन्यू कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। Thank you.
रसोई नहीं, नीचे छे। हाँ अरे वाह बरफ वाड़ू छे लाज। हाँ बरफ पड़े, हाची बात छे। આમ તો કેટલું મોટું છે આ છે, કેટલું મોટું છે જોયું ઈરવા, ધીરે ધીરે સેલ નીકાળ નાખ્યા એના, છોડ દે છોડ દે છોડ દે, ના કરીશ બસ હવે આઈ ગોડ ચાર ચાર દરવાજા હીરવા, ધીરે 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 પડતી નહીં, और ये यहाँ पर सपना रिसर्च कर रही है फ्रिज ओपन कर करके। डन ओके गो, उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है अभी। अंदर भूत है वो मुझे बता रही कि अंदर भूत है क्योंकि अंधेरा है अंदर इसलिए पूरा बार। हीरवा को ना बहुत ही ज्यादा जुकाम हो गई है इसलिए उसे बुखार आ रहा था, बट अभी दवाई पी ना उससे तो अभी अच्छा लग रहा है उसे, तो इसलिए ज्यादा मस्ती मस्ती में आ गई है। हीरवा थ्री थ्री दरवाजा, हीरवा आ बाजू आ बाजू आइए, थ्री थ्री दरवाजा। तो वो ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। ओके उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, चेक करवे। ओके वन मिनट हाथ ले। ओके ओ माय गॉड बंद कर दे, जल्दी बंद कर दे, अबे नहीं खोलू नहीं खोलू, पहली बाजू में बाजू में। ओके उसे वो भी ओपन करना है, उभी रहे ओ वाओ, ये वाला भी बहुत ही अच्छा है, वो खाना खा रही है अंदर सब रखा है, वो गिरे नहीं अब तुम्हारे पर। ओ माय गॉड हीरवा का सब कुछ यहाँ पर फेवरेट रखा हुआ है, तो सब कुछ खा जाएगी हीरवा। धीरे धीरे ओके डन, हीरवा का सब कुछ अंदर फेवरेट रखा है तो वो खा रही है अंदर से। ऑरेंज एक करंट लाया लगे अम्मी पर। मैं तन खाली खाली कह रही थी नहीं करूँ आम निकल ना, फ्रिज नो है दीवार छे और घर चेज बेटा पांच मिनट में। ओके आ बाजू बच्चे, हाँ इसके अंदर भी बहुत कुछ रखा हुआ है, हीरवा को मौज आ गई मौज, हीरवा से खुल भी नहीं रहा है। ओ वाह हीरो ऊपर, वो अच्छे से रख रही है अंदर जूस को गुफ और मिल्क को, वेरी गुड हीरवा हीरवा, आ मिल्क छे आ जूस छे। ओके
ओ गंदा छोकरा हिरो अहिया थी पानी छो एथी बहसी आवे छो टिंग ला अहिया अहिया आम एथी पानी पड़े પછી પી લેશે હિરવા અહીંયા જો અહીંયા અહીંયા એને બંધ કરી તો હરખું જ છે અહીંયા અહીંયા અલગ બતાવું જો આમાં આની અંદર પાણી ભરવાનું પછી આપણે દબાવીએ એટલે આમાંથી નીકળે આ દેખ્યું તું બેટા ઓકે યે બહુત હી અચ્છા વાલા ફ્રીજ હે મુજે યે વાલા પસંદ આતા હે બસ હવે પાછળ આમાં છોટી છોટી પાછ આગળ લોકો હું કરી દેખીએ છે ધીરે ધીરે वो भाग रही है मैंने बोला कि आगे वो लोग क्या कर रहे हैं वो देखने के लिए चलते हैं इसलिए वो भाग कर यहाँ पर आ गई पर हिरवा ना इसे चालू करना है उसे हिरवा नहीं बट इसके अंदर ना बैटरी नहीं डाली है इसीलिए वो चालू नहीं हो रहा है बट उसका ट्राई चलता ही रहेगा इस तरीके से हिरवा टूटी ऐसे रही ना नहीं चालू बस छोड़ दे डन गो सू आती सभी और हम ये वाला सर्कल पे है अभी ये बाकी रह गया था हिरवा को चेक करने के लिए तो ये देख रही है ओपन करके और ये कितना छोटा वाला है ओ माय गॉड यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा टिंग टिंग तो हिरवा को जो भी दिखाई देता है उसे खाने का मन हो जाता है तो फिर कुछ भी हो जाए ओके ओ वाओ આ બાજુથી બેટા આ બાજુથી ખોલવાનું છે એ અચ્છા હે ફ્રીજ હા હવે વિડીયો ચાલુ કર્યો મધિકા ઓ માય ગોડ કેટલું મોટું ફ્રીજ છે હિરો સ્ટ્રોબેરી છું કેટલું મોટું છે વાવ હા સાઈડ પરથી હશે બેટા સાઈડ પરથી હા બહુ મસ્ત છે ને હિરવા મુટ્ટુ हिरवा को ये वाला फ्रिज बहुत ज्यादा पसंद आया और इसके अंदर जो भी चीजें रखी होती है वो उसे खाने की करती है ये हिरवा मैंने कब कहो गमी बहुआ नहीं बताओ हम लोग वापस पता नहीं अब क्या कर वो सोच रही है कहाँ पर जाना अभी ना पीछे की रो में ना फ्रिज है ओ वाह हिरवा को ये वाला पसंद आया हिरवा को सारे पसंद आ गए वो बता रही मुझे ये पसंद आया सब कुछ पता सब पसंद आ गया उसे ओके पहाड़ से कोई देख डन इस रूम में बाकी था फ्रिज देखना तो हम लोग वहां चले आए ये तो अलग अलग सब तरीके से चेक कर रही है बैठ गई नीचे चेक करने के लिए पड़ से हिरवा इतनी जोर से ओपन करती है ना पूरा हिला देती है वो फ्रिज को आ बाजू हिरवा आ बाजू ये पूरा मिरर किस तरह है मैं भी दिखाई दे रही हूँ अंदर हिरवा અહીંયા છું ડબલ ડોર છે છું આઈ ગયા મસ્ત છે આ હિરવા ઓર યે વાલા મુજે બહોત જ્યાદા પસંદ આયા વાવ ઓર હિરવા કો સારે પસંદ આયે યહાં કે મુજે ના ઇસ તરીકે કા મસાદ થયું તવે નાટકીસ ના અહીંયા આવતી રહે मुझे ये वाला ओ चालू शीरवा फ्रिज इतले करंट लाइक है ये वाला फ्रिज ना ऑन है ना जो ऑन छे आ फ्रिज हाँ ये वाला फ्रिज ना ऑन है हम वापस से बंद कर रहे हैं ओ माय गॉड
ये चालू छे बेटा, ये चालू छे। तो दूर 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 दूर। और इस वक्त वाले फ्रिज में ना मैंने पहली बार इस तरीके का लॉक देखा। ये देखिए यहाँ पर लॉक भी है और ये देखिए फ्रिज भी है यहाँ पर ना। माय गॉड, मैंने पहली बार इस तरीके से देखा है। एंड मैं ये भी ओपन करके देखने वाली हूँ, इसे कैसे ओपन करते हैं मुझे। अच्छा, नीचे से ओपन करते हैं। 1 2 3 गो। माय गॉड, वाओ। और इसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है। वाओ, इट्स अमेजिंग। नो नो नो, मैंने पहली बार इसे ऑन रखा है और मैंने देखा है। सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। और ये पूरा 2 लाख का है। माय गॉड, बट बहुत ही अच्छा है। हीरो आ रही हूँ, इसी पर पानी आवे। ओ वाओ, ये दूसरा नया आया है शायद। और ये इतना अच्छा है कि यहाँ पर भी बाहर से वाटर दिया हुआ है। नो ना, पापा ने बुलाइए अपने इसे ना। ये प्रेस करना है, कर ले आप, ये वाला प्रेस करना है उसे। इसके अंदर ना ऊपर लाइट होती है इसके अंदर, इस तरीके से। वो डर गई हिरवा, बट बहुत ही अच्छा है। और ओ माय गॉड, वाओ, इसके अंदर आप पानी भी निकाल सकते हो, बर्फ भी निकाल सकते हो। मतलब ये ओनली वन है और इसे सिर्फ प्रेस ही करना होता है। ओ माय गॉड, ओ वाओ, इट्स अमेजिंग। हिरवा को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस सारे देखने में। और ये भी वैसा ही है, इसके अंदर से मतलब पानी बर्फ और सब कुछ निकाल सकते हैं, बाहर से ही अंदर खुलना नहीं होता है। वाओ, हाँ ओके, चेक करूँ। हाला डबल डबल बाजू थी खोला है। धीरे धीरे पड़े नहीं। और हमने यहाँ पर रखे हुए सारे फ्रिज चेक कर लिए हिरवा के द्वारा। सारे फ्रिज चेक हो गए हैं ना। हो बेटा यहाँ चेक, और यहाँ से व्यू कितना प्यारा आ रहा है नीचे का, देख पा रहे हो गया आप। और ये वाला चालू है फ्रिज। ओ माय गॉड, नहीं चालू हुआ है, मैं डर गई। मुझे लगा सच में डर चालू रखा है यार। नहीं, ये वाला फ्रिज चालू नहीं है। ना हो बेटा चालू। ओ वाओ, इसके अंदर ये देखिए कितने अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है। और हिरवा सब कुछ खा रही है यहाँ से। हिरवा नहीं, पिज्जा पन रखा हुआ है, केक भी है और खा रही है हिरवा। और दूसरी ओर भी इसी तरीके से रखा हुआ है सब कुछ। हिरवा सब कुछ पी रही है और खा रही है। ओके वाओ, ये भी अच्छा है। मुझे तो सारे पसंद आए और ज़्यादा तो मुझे वो वाला ही पसंद आया। यूँ छो बेटा, ये फ्रीजर से। अरे बता, ख़त्म, हमने सारे फ्रिज देख डाले। गो, और ये वाला फ्रिज चालू है। हम लोग वहां पर वापस से आ गए। चलो पहली बाजू। अच्छी बाने बोलाई, देखो हमारे अपने बाने बोलाई। यूं करूं छे हार। चलो बा को खींच कर ले आई हो नानी को।
वो इतनी ज्यादा खुश हो रही है दिखाकर। चालू चाहिए हिरवा बोल से कोक हम बंद कर दे चल अबे आओ तीरो पिता बंद कर दे चल बता हो त्या नहीं देखवाना चल अंदर અહીંયા ની લોકે છે જો અહીંયા સાઈડ પર સ્ક્રીન આપેલી છે બસ હવે નહીં નાટકી સ્નેહ એનું ખબર કે છે ચલ નીકળા હીરો તારા તાવ ગયો છે તો રહેશે તારા તાવ છે તો રહેશે તાલી વાત એ વાત ડન को ना यहाँ पर ही मजा आता है क्लॉक छे रहते हैं बेटो ત્યાં બનશે આમ આવતી રહે હવે બેસી જ શાંતિ ઠીક છે કીર બસ ઢૂંઢ રહી સ્મોલ સ્મોલ ફ્રીજ જો ઉસકી સાઇઝ કા હોતા હૈ ઓર યહાં પર ના બહોત સારે હૈ ઈ બાટલ મૂકવાનું છે મમ્મી એ રૂમ માં રાખવાનું છે નાનું 10,000 અને 9,000 હીરવા દેખ કર પાગલ હો રહી હૈ છોર દે ટાટા ફ્રીજ મેં દીકા કતા હાઈટ માં ઓછું જો એટલું નાનું ફ્રીજ માય ગોડ દાદા બિરાજ એ નથી આગળ પેલું રહ્યું તારા સાઈઝ નું હીરવા આપની સાઈઝ કા દેખ રહી હૈ થોડુંક મોટું છે હીરવા સેજ મોટું છે એ મોટું છે બેટુ માફે છે સર આપણે ત્યાં પેલી બાજુ દેખીએ હીરવા આવે એનાથી નાનું છે હવે આગળ હીરવા આવે આગળ હવે ચો પેલી બાજુ કોણ દેખે હું દેખે બધા ચલો पर हिरवा सब कुछ देख कर पागल हो रही है पता नहीं कितनी ज्यादा खुश हो रही है ये हाँ इस तरीके का फेस उसने पहली बार देखा है इसलिए पड़े नहीं बेटू ये अंडा मुकने का है इसे तो बोल रही है वो नहीं बंद कर चला नहीं अबे नहीं चला फिर आप हम लोग यहाँ पर ओवन देखने के लिए आ गए खोलिस नहीं आना खुले अब अर्चित देखवाना वरना तू वो ना वरना घिरा देगी इसलिए ना बेटा इतले चला कर वो गिरा देती है इसलिए मैं उसे मना कर दिया कि मत खोलो वो साइज देख रही है सबका ओह माय गॉड छोड़ तू तेलू छे ने છોડ વો સબ કુછ હિરવા બાજુ
हिरवा को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है सब कुछ देखने में, वो सब कुछ एक्सप्लोर कर लेगी अपने आप इस तरीके से घूमते घूमते, सब कुछ चेक कर रही है सब कुछ, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए यहाँ पर। ये सब कुछ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये इस तरीके की टीम मिस्त्री भी है, वाव मुझे यही वाली चाहिए थी। और यहाँ पर सारी वैरायटी अवेलेबल है, यहाँ पर ना वैक्यूम भी बहुत अच्छे हैं। एक मिनट बेटा ना चलू ना कैसे हैं दौड़ा मसा। और यहाँ पर ना ये भी है अच्छा, और यहाँ पर ना स्विंग मशीन भी है यहाँ पर अवेलेबल कर। और यहाँ पर ना इस तरीके की भी मशीन है अवेलेबल, और इसकी प्राइस ऑनलाइन से भी कम है, ये देख पा रहे होगे ना। और यहाँ पर 50% ऑफ भी दिया हुआ है MRP से। हाँ से क्लियर मशीन से ओके बहुत फास्ट, बहुत फास्ट करे बेटू खबर। ना पॉडी जैसे चल आ बाजू हीरो आवे नहीं हीरो बा तने है ना फ्रंटो लागे छे। हीरो बा की फ्रीज देखना यहाँ पर बाकी था तो ये यहाँ पर आ गई मुझे लेकर, तो ये यहाँ पर भी अभी एक्सप्लोर कर रही है। इसके अंदर उसे चाबी मिल गई है उसकी, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं मुकी दे ओके को नहीं पड़ से हिरवा देखिए हिरवा कुछ भी नहीं छोड़ रही है चेक करने के लिए, सब कुछ चेक कर रही है अच्छे से। बट यहाँ पर ना सब कुछ मतलब अलग अच्छी क्वालिटी का है सब कुछ। एंड ये देखिए इस तरीके का है, और हिरवा भी नीचे से चेक कर रही है सब। हिरवा हिरवा को दिखा रही कोई इस तरीके से निकलता भी है अंदर। आई रिया और हिरवा सब कुछ मतलब चेक कर रही है। हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है आज। ये देखिए हिरवा की देखिए ओ माय गॉड ए હા એવું જ આવે ફ્રૂટ કરતા હોય ને કઈ પણ મતલબ એ પછી નાખી હમ લોગ આ ગયે વોશિંગ મશીન કે સેક્શન મે ઓર યહાં પર ભી સબ કુછ ચેક કરી હિરવા અબ હમ લોગ વોશિંગ મશીન ચેક કર રહે હૈ અબ વોશિંગ મશીન કી બારી આ ગઈ હૈ ચેક કરને કે લિયે હિરવા કે દ્વારા સબ કુછ ચેક કિયા જા રહા હૈ આજ ઓર વો ભાગ રહી હૈ આગે આગે આપણા જેવું છે જો સેમ
થોડુંક અલગ છે, આપણું મોટું છે. નો આ બાજુ આ બાજુ रात हो चुकी है. हम लोग शाम को आए थे और यहाँ पर हमारा 8 बज गए हैं. अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं. और यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है, तो वो कितना प्यारा लग रहा है लायन. शाम रात में ना ये लायन बहुत ही प्यारा लगता है. एंड यहाँ का मतलब व्यू भी देख पा रहे हो, तो कितना अच्छा है यहाँ का व्यू. आजू में ही है यहाँ पर रात्रि बाजार और यहाँ पर हम लोग आए थे. हिरवा की नौटंकी यहाँ पर भी स्टार्ट रहती है. हम लोग आए थे यहाँ पर खाने के लिए. तो हिरवा के लिए मंगाए हमने पापड़ी का लोट, क्योंकि इसे यही पसंद है. इसलिए ये ना खांडवा हम मंगाने वाले हैं. और अभी ये मंगवाया हमने ढोकला, जो हमने ख़त्म कर दिया है. और ये आ गया है हमारा हांडवा, दूधी वाला हांडवा आया है अभी. सो ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं वापस घर पर और हम लोग अब सोने ही वाले हैं. तो मैंने सोचा कि वीडियो को भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं. और आप लोगों ने देखा हम लोग कितना ज़्यादा घूमे थे और खाना बाहर ही खा कर आए थे. और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें. और हिरवा को बहुत ही ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा हिरवा को ही आया है सबसे ज़्यादा मज़ा, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट किया. बीमार होने के बावजूद भी वो उसने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया. एंड अभी उसे तबीयत अच्छी है और अभी मैंने उसे दवाई भी दे दी है. और अब बस हम लोग सोने ही वाले थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात कर लूँ थोड़ी देर. और सो मिलते हैं हम लोग कल सुबह. कल होली है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो कल का वीडियो भी ज़रूर उसे देखना और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय. के दीवा बाय, टेक केयर, बाय.